दोस्तों कल सऊदी अरब के सैन्य कमांडर 3 दिन के भारतीय दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। ये सैन्य कमांडर पूरे सऊदी अरब की सेना को लीड करते हैं और अचानक भारत के दौरे पर आ जाना कई बड़े देशों को ये बात हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के गले से तो बिल्कुल भी ये दौरा नीचे नहीं उतर रहा। ये पाकिस्तान के लिए आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्थिक सहायताकार देश माना जाता है और भारत के नजदीक आना पाकिस्तान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारतीय इतिहास में ये पहली बार है जब सऊदी अरब का कोई सैन्य कमांडर भारत के दौरे पर आया हो। इससे पहले सऊदी का कोई भी सैन्य कमांडर भारत के दौरे पर नहीं आए थे। उधर जैसे ही सऊदी अरब के सैन्य कमांडर फहद बिन अब्दुल का प्लेन भारत में लैंड कर रहा था, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पैरों के तले से जमीन खिसक रही थी। सऊदी अरब का भारत के नजदीक आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर चुका है और अब भारत के नजदीक आना ये माना जा रहा है कि भारत कूटनीतिक जाल में फिर से पाकिस्तान को फंसा रहा है। केवल इतना ही नहीं, भारत को सऊदी अरब से बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है। इस दौरे के तहत रक्षा संबंधों को मजबूती तो मिलेगी और साथ ही सऊदी अरब भारत से रक्षा से जुड़े कई हथियारों की खरीदारी भी करने वाला है, जिसमें भारत के स्वदेशी ड्रोन, तोप और मिसाइल शामिल होंगी। उधर जब से फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, तब से सऊदी अरब को लेकर भी ये खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहा है, जिस पर अब मोहर भी लगने वाली है। अर्थात ये जो सऊदी अरब के सैन्य कमांडर का भारत दौरा है, इसमें सऊदी अरब भारत से सैन्य हथियारों की खरीदारी करने के लिए इस दौरे का आयोजन किया था। सऊदी अरब भारत से कई ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल की खरीदारी करने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसकी ताकत से अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। तो वहीं अब जब से भारत ने आकाश मिसाइल को आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अपग्रेड किया है, तब से आकाश मिसाइल को लेकर भी दुनिया के कई देश जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब ब्रह्मोस मिसाइल के साथ आकाश मिसाइल को भी खरीदारी कर सकता है। दोस्तों आकाश मिसाइल की बात करें तो इसका निर्माण भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने किया है। इस मिसाइल का उपयोग जमीन से हवा में मार करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि आकाश मिसाइल के अब तक भारत में 3 वेरिएंट तैयार हो चुके हैं। सऊदी अरब आकाश प्राइम मिसाइल को लेकर भारत से डील कर सकता है। आकाश मिसाइल के जितने भी वेरिएंट तैयार किए गए हैं, सभी जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसका लेटेस्ट वर्जन आकाश प्राइम है। इसका उपयोग जमीन से हवा में उड़ रहे किसी भी एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए किया जाता है। आकाश प्राइम के बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को ऐसी महारत हासिल है कि ये किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। आकाश 30 किलोमीटर के दायरे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन 720 किलोग्राम है और लंबाई 5.78 मीटर है। आकाश सुपरसोनिक गति पर 2.5 मैक की स्पीड से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। वहीं यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है और इतना ही नहीं, इसे ट्रक और पहियेदार दोनों प्लेटफॉर्मों से फायर किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि आकाश मिसाइल के उपयोग करके DRDO ने एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी निर्माण किया हुआ है, जो इसराइल के आयरन डोम की तकनीक पर आधारित है। इस सिस्टम में ऐसी तकनीक लगी है जो खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरने वाला है या नहीं और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाके में गिरने वाले होते हैं, उन्हें ही यह सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। ये खूबी इस तकनीक को बेहद किफायती बनाती है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लद्दाख में ठंडी जगह पर भी दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है, तो वहीं थार के रेगिस्तान में भी दुश्मन को पल भर में ढेर किया जा सकता है। इसकी यही खासियत इसे बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग बनाती है। इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ही बेसिक डिजाइन के तहत डेवलप किया गया है और इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से देश में ही बना हुआ है। इस सिस्टम में लॉन्चर, मल्टी रडार, कमांड कंट्रोल सभी के बेहतर उपयोग किया गया है और ये सभी भारत में ही बनाए गए हैं। सऊदी का यमन से तनाव काफी ज्यादा चल रहा है और उसी को देखते हुए सऊदी आर्मी चीफ भारत दौरे पर आए हैं। अब देखना होगा दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इम्पोर्टर सऊदी अरब किन हथियारों की डील भारत से करता है। जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक खबर पहुंचा देंगे, लेकिन उसके लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।